एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के 8 मेजर सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन B12 के लेवल जब हमारे ब्लड में लो होते हैं तो हमारी बॉडी कुछ सिम्टम्स को शो करती है। सो आज के इस वीडियो में मैं उन 8 मेजर सिम्टम्स के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपकी बॉडी इन 8 सिम्टम्स को एक्सपीरियंस कर रही है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपने बी लेवल्स को चेक कराएं, स्पेशली विटामिन B12 का लेवल आप चेक कराएं एंड गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट एट द प्रॉपर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सिम्टम जो विटामिन B12 की कमी से हमें आता है वो है फटीग। आपकी बॉडी के अंदर आपको थकावट महसूस होती है, नो मैटर हाउ मच गुड अमाउंट ऑफ फूड यू आर इनटेकिंग, नो मच हाउ मच अमाउंट ऑफ रेस्ट यू आर टेकिंग, योर बॉडी विल नॉट हैव अमाउंट ऑफ एनर्जी टू परफॉर्म द टास्क। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड फटीग। सेकेंड सिम्टम इज हेडेक। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट जिनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है अक्सर उनके सर में बहुत तेज दर्द रहता है फॉर नो रीज़न। थर्ड सिम्टम इज GIT डिस्ट्रेस, यानी कि आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में हमेशा आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। लाइक आपको हो सकता है गैस की प्रॉब्लम हो रही हो, आपको हो सकता है ब्लोटिंग हो रही हो, नौजिया हो रहा हो और आपका पेट मोस्ट ऑफ द टाइम वाटरी स्टूल रिलीज कर रहा हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायरिया। हो सकता है आपको ये कंडीशंस आ रही हों, सो इट माइट बी रिलेटेड टू दी विटामिन बी लो लेवल्स। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें सो फोर्थ सिम्टम आ जाता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। जब विटामिन B12 हमारे बॉडी के अंदर कम होने लगता है तो पर्सन फील्स लाइक अ वेरी यू नो डिप्रेसिव, उसका जो मूड है वो बहुत ही लो रहता है, समटाइम्स उसे मूड स्विंग्स भी एक्सपीरियंस होते हैं। उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें सो दिस इज़ एटेक्सिया। एटेक्सिया इज़ अ कंडीशन वेर योर मसल्स फील वेरी पेन एंड समटाइम्स योर मसल्स ऑल्सो हैव क्रैम्प लाइक कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग प्रॉपरली इन अ चेयर एंड सडनली आपको क्या होने लगा, आपकी जो काफ मसल्स हैं पैरों में उनमें आपको अचानक से क्रैम्प्स महसूस होने लगा। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एटेक्सिया और विटामिन B12 कम होने की वजह से भी ये कंडीशन देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देर इज़ अ टर्म कॉल्ड पैरास्थीसिया। पैरास्थीसिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे एक्सट्रीमिटीज़ में यानी कि हमारे हाथ की इन फिंगर्स में और हमारे जो पैर के फिंगर्स हैं उसमें हमें नंबनेस फील होती है। वहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने पिंस और निडल्स हमको प्रिक करी हुई हो। सो देयर विल बी अ निडल प्रिकिंग लाइक सेंसेशन इन योर थंब और इन योर फिंगर्स। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पैरास्थीसिया। सो दीज आर द सेट्स ऑफ कंडीशंस विच मे बी ड्यू टू द विटामिन B12 डेफिशिएंसी। वन मोर डेफिशिएंसी सिम्टम इज आपके जो माउथ है, इस माउथ के अंदर आपको इन्फ्लामेटरी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं, जैसे कभी कभार हमारे माउथ अल्सर आ जाते हैं, हमारी जो टंग है और हमारी जो वॉल ऑफ हमारी चीक है उसके अंदर हमें रेडनेस और इन्फ्लामेशन दिखाई देता है। इस कंडीशन को कहा जाता है ग्लॉसाइटिस। सो हो सकता है कि आपको माउथ से रिलेटेड या टंग से रिलेटेड आपको कुछ इन्फ्लामेशंस एक्सपीरियंस हो रहे हों। सो अगर आपके बॉडी के अंदर ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं सो इट इज़ हाई टाइम कि आप अपने विटामिन B12 के लेवल्स को चेक कराएं। और अगर आपके लेवल स्लो हैं सो जो पॉजिटिव बात वो ये है कि अगर आप एक बार इन डिजीजेस के सिम्टम्स को जानने के बाद इसका अगर आप कंफर्मेटरी टेस्ट करा लेते हैं तो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने से आपके बॉडी के अंदर ये सिम्टम्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे। वन लास्ट सिम्टम ऑफ दिस डेफिशिएंसी इज आपके जो मेंटल कॉन्सेंट्रेशन की एबिलिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, बिकॉज विटामिन B12 कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्व रहता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। सो दिस लीड्स टू मेंटल फॉगिंग, या आपके दिमाग के अंदर मेंटल फॉगिंग जनरेट करता है, यू वोंट बी एबल टू सिट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन अ सिंगल टास्क। सो दीज आर द सिम्टम्स विच कैन बी ड्यू टू द विटामिन B12 लो लेवल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।